दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Realme 11X 5G और Realme Narzo 65G फोन का बारे में। ये दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, और इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। जो Realme Narzo 60 फोन है इसमें जो डिस्प्ले साइज दिया गया है 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन में नॉच नहीं दिया, छोटा सा पांचोल दिया गया। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11X फोन इसमें जो डिस्प्ले साइज दिया जाएगा 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया जाएगा। इसमें भी नॉच नहीं होने वाला, छोटा सा पांचोल दिया जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसमें भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा डिस्प्ले में। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो जो Narzo 60 फोन है इसमें डुअल रियर कैमरा दिया गया है। जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया। जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11X फोन इसमें भी डुअल रियर कैमरा दिया जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर होगा 100 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में दिया जाएगा और जो सेकेंडरी कैमरा होगा ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो सेल्फी कैमरा दोनों फोन में सेम मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का पांचोल सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में सेम परफॉर्मेंस होने वाला है। दोनों फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिल जाता है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 की क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली G57 MC2 जीपीयू मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर पर आधारित है। ये दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। साथ में Realme UI 4.0 दिया गया है। ये दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो दोनों फोन में 33 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो फास्ट चार्जिंग और बैटरी पर यह पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का यूएसबी कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में यूएसबी टाइप सी दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो दोनों फोन में 5.1 ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है। दोनों फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो Narzo 65G फोन में इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया और फेस अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो Realme 11X फोन इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, फेस अनलॉक मिल जाता है। दोनों फोन का बिल्कुल ही डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाता है। काफी बढ़िया डिजाइन के साथ आता है, ग्लासी फिनिशिंग बैक मिल जाता है। बढ़िया डिजाइन दोनों फोन में दिया गया। जो Realme 11X फोन है इसमें ग्लासी फिनिशिंग बैक देखने को मिल जाता है और जो Narzo 60 फोन है इसमें ग्लासी फिनिशिंग भी दिया गया और लेदर डिजाइन के साथ भी एक वारंट आता है। आपको लेदर बैक के साथ भी एक वारंट देखने को मिल जाता है। बढ़िया डिजाइन के साथ दोनों फोन आता है। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाता है। दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन में बढ़िया तगड़ा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। दोनों फोन में सभी कनेक्टिविटी भी दिया गया है। वही यहाँ पे जो सिम सपोर्ट है इसमें 5G बैंड्स का बात करें तो इसमें 10 5G बैंड्स भी देखने को मिल जाता है। 10 12 5G बैंड्स मिल जाता है। ये दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो Realme Narzo 65G फोन जो ये फोन का जो बेस्ट वारंटी है 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 17,999 रुपीज पर मिल जाता है और जो हायर वारंटी है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। ये फोन का प्राइस है 19,999 रुपीज पर आता है।
यहाँ पे बात करें तो Realme 11X 5G फोन, दोस्तों ये फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च होने वाला ऑफिशियली कंफर्म हो गया। लॉन्च डेट भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लीक्स के थ्रू पता चला ये फोन 23 अगस्त को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो 22-25 का अंदर ये फोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो ये फोन का प्राइस कंफर्म नहीं बता सकते, मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम प्राइस पर भी आ सकता है। ये फोन दो वारंट पर आएगा, जो बेस्ट वारंट होगा 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। ये फोन का प्राइस होने वाला है 13,999 रुपीज पर आएगा, 14,000 रुपीज पर बेस्ट वारंट मिल जाएगा। और जो हायर वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, ये फोन का प्राइस होने वाला है 14,999 रुपीज पर आएगा। तो अंडर 15,000 रुपीज पर ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा, बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन भी आने वाला है। यहाँ पे प्राइस में बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, 3,000-4,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 2-3 चीज का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते दोनों फोन का कंफ्यूज का क्या अंतर ये दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नार्जो 65G फोन, इसमें 2-3 चीज आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, जैसे कि इसमें जो डिस्प्ले दिया गया ये एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, ये 2 चीज बढ़िया मिल जाता है Realme Narzo 65G फोन में। यहाँ पे बात करें तो Realme 11X फोन, इसमें आपको 2-3 चीज बढ़िया इसमें भी मिल जाता है, जैसे कि इसमें जो आपको रियर कैमरा है थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा और इसमें डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, इसमें भी दो चीज बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है, अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं Realme Narzo 65G फोन का तरफ। अगर आपको यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट चाहिए और रियर कैमरा थोड़ा बेटर चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं Realme 11X 5G फोन के तरफ, लेकिन प्राइस पर भी अभी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वाइनर बन जाता है Realme 11X 5G फोन। इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाता है और प्राइस ये फोन का काफी कम प्राइस है। ये फोन का जो स्पेसिफिकेशन बताऊँ, ये स्पेसिफिकेशन भी ऑफिशियली कन्फर्म अभी तक नहीं हुआ है, लीक्स के थ्रू पता चला इसी स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। अगर स्पेसिफिकेशन में कुछ बड़ा डिफरेंस हुआ तो फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बढ़िया लगा, कौन सा फोन के तरफ आप जाना चाहोगे आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। स्पेसिफिकेशन का हिसाब से और प्राइस को देखें तो प्राइस का हिसाब से यहाँ पे विनर बन जाता है Realme 11X फोन। तो चलिए शुरू वीडियो करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल आमिरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को ऐसे ही मिलता रहे। चलिए शुरू वीडियो करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।